Welcome to our YouTube channel program, Guru Mantra, Siksha Ka Granth. Alright, here is the another part for the topic Microorganisms, Friend and Foe. हम already previous parts में microorganisms के बारे में बहुत अच्छे से discuss कर चुके हैं and उनके beneficial effects को भी पढ़ चुके हैं along with the examples. In this presentation, we will particularly look upon the harmful effects of microorganisms, or we can say that how can they be foe for us. Alright, जिस तरीके से microorganisms beneficial हो सकते हैं, ठीक उसी तरीके से बहुत सारे microorganisms harmful भी हो सकते हैं. Not only to us, plants और animals के लिए भी जो है वो harmful हो सकते हैं. कैसे? Because they are the cause of causing many diseases. इस तरीके से जो disease फैलाते हैं, disease को spread करते हैं, उन microorganisms को particularly एक नाम से बुलाया जाता है, and that is what? That is pathogens, right? Okay. In fact, food, clothes and leather can also be spoiled due to some effect of microorganism. अगर बहुत लंबे समय तक care नहीं की जाए और microorganisms को उनके suitable environment में survive करने का मौका मिल जाए, right? उनको proper nutrition मिले, then वो food, clothes और leather जैसी चीजों को भी spoil कर सकते हैं. In fact, ये बहुत common examples हैं, आपने अपने घर में भी देखे होंगे, like bread पर fungus जो है आ जाती है, fruits, vegetable पर fungus जो है आने लगती है, right? बैक्टीरिया की वजह से भी चीजें जो है वो खराब होने लगती हैं, फंगस जो है वो क्लोथ्स पर भी देखी जाती है, लेदर की चीजें भी खराब हो जाती हैं, so all of these are the harmful effects because of microorganisms. Alright, अब एक क्वेश्चन जो है अराइज होता है कि जो पैथोजन है इनकी मोड ऑफ एंट्री क्या है, किस तरीके से जो है ये एंटर करते हैं, राइट? बिकॉज डिसीज फैला रहे हैं तो कोई ना कोई तरीका तो होगा कि ये जो है एंट्री जो है इनकी हो रही है, राइट? अब बेशक वो केस ह्यूमन बींग्स का हो, प्लांट्स का हो, एनिमल्स का हो, तो ये हमने सेवेंथ एट्थ क्लास में भी पढ़ा था कि बहुत अलग अलग मीन्स हो सकते हैं, वेज हो सकते हैं इन पैथोजेंस की एंट्री के लिए, एंड दोज कुड बी एयर. एयर में प्रेजेंट है ऑब्वियसली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे, वाटर, एनिमल बाइट जैसे कि रैबीज हो जाती है वायरस की वजह से, राइट? कॉलेरा जैसी बीमारी जो है वो वाटर बॉर्न डिसीजेस है. फूड से कॉन्टामिनेटेड फूड अगर आपने खा लिया तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, राइट? कॉन्टामिनेटेड मीन सड़ा हुआ या फिर स्पॉइल्ड फूड जो है आपने खा लिया, बिकॉज वहाँ पर क्या हुआ, बैक्टीरिया की क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वो आपने ले लिया, then that can also be a cause of a disease. या फिर अगर कोई infected person है उसके direct contact में आप आ जाते हैं, सबसे common example common cold है, right? Influenza virus होता है, अगर infected person sneeze करता है या आप उसके personal clothes के contact में आते हैं, then the disease can also be spread to you. इसके अलावा कुछ मॉस्किटोज और इंसेक्ट्स भी होते हैं जो कि एज अ कैरियर सर्व करते हैं फॉर दीज डिसीजेस, राइट? कैरियर इन द सेंस जो कैरी करे उस चीज को आगे. फॉर एग्जांपल, सबसे कॉमन एग्जांपल है इसका फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, जो कि मलेरिया के पैरासाइट्स को, कॉजिंग इफेक्ट्स को जो है वो कैरी करती है, राइट? अगर एक अनहेल्दी पर्सन को उसने बाइट किया तो जो उसके ब्लड के कुछ रेसिड्यूज होते हैं वो उसके सलाइवा में मिक्स हो जाएंगे. अगेन जब उसने हेल्दी पर्सन को बाइट करा जाकर, वहाँ जाकर वो उन पैरासाइट्स को छोड़ देती है. पूरी मलेरिया की एक पूरी लाइफ साइकिल होती है, राइट? जो कि दो फेसेस में कंप्लीट होती है. इन दैट केस फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो इज द कैरियर ऑफ मलेरिया, राइट? ठीक इसी तरीके से फीमेल इडीज मॉस्किटो जो होती है दैट एक्ट एज अ कैरियर फॉर द डेंगू वायरस. ओके, सो अल्टीमेटली चीज़ें तो फैल रही हैं, लेकिन हम उसको अपने अंदर आने से रोक सकते हैं. कैसे? बहुत सारे
इन सब चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है, आपको ऑलरेडी ही पता होंगी। डिसीज स्प्रेडिंग स्प्रेडिंग पॉजिटिव एजेंट्स हैं, राइट? उनको हम प्रॉपरली अगर हम मैनेज करके रखें, प्रॉपर हाइजीन रखें, राइट? और वाटर बॉर्न डिसीजेज जो है उनको ना, पानी इकट्ठा ना होने दें, फूड जो है वो प्रॉपर तरीके से स्टोर करें, ज़्यादा लंबे समय तक जो है गंदगी में ना रहें, इनफैक्ट गंदगी में ही ना रहें, राइट? ज़्यादा लंबे समय तक किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर जो है वो गंदगी ना होने दें, प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल करें। देयर कैन बी सेवरल वेज थ्रू विच यू कैन सेव योर सेल्फ, सेव प्लांट्स, सेव एनिमल्स थ्रू दीज harmful diseases that are caused by microorganisms. Okay. सबसे important chart जो है वो ये है जो यहाँ show किया गया, ये NCERT में भी दिया गया है chart। यहाँ कुछ human diseases का नाम लिखा गया है, कौन से कॉजेटिव microorganisms हैं, mode of transmission क्या है और आप preventive measures क्या ले सकते हैं, सब यहाँ पर defined है। ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम TB भी कहते हैं, दैट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया, और एयर में जो है इसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया जो है पाया जाता है, राइट? अब बीमारी हो गई, आप उसको कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स जो है ले सकते हैं? पेशेंट को कंप्लीट आइसोलेशन, अकेले में रखना पड़ेगा, आइसोलेटेड प्रोसेस में, इसलिए ताकि हेल्दी पर्सन उससे इन्फेक्ट ना हो जाए, राइट? अगर किसी को TB होता है इन्फेक्ट और अगर कोई चेक करवाने जाता है तो डॉक्टर भी अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ करके मास्क वगैरह लगा के जो है इसका ट्रीटमेंट कैरी ऑन करते हैं, राइट? जो पेशेंट की पर्सनल थिंग्स हैं उनको अलग रखिए और प्रॉपर टाइम पर मेडिसिन और वैक्सीनेशन जो है उसको सप्लाई होने चाहिए, राइट? सेकेंड इज वॉट मीजेस, दैट इज कॉज ड्यू टू अ वायरस, जो कि एक एयरबॉर्न डिसीज है, अगेन राइट, प्रिवेंटिव मेजर्स यही सब है। चिकन पॉक्स जो है जिसको हम हिंदी में माता भी बोलते हैं, राइट? बहुत कॉमन वर्ड है और लाइफ टाइम में अभी ना कभी किसी ना किसी को किसी ना किसी फेस पर जो है ये ज़रूर होती है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ अ वायरस। एयर में भी इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर, और अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन है तो उससे अगर उससे कॉन्टेक्ट रखा जाए तो एक हेल्दी पर्सन को भी ये स्प्रेड हो सकती है। पोलियो के ड्रॉप्स पिलाई जाती है, दैट इज उसके पीछे भी जो है वायरस का ही रोल है, वायरस ही है जो कि पोलियो को कोस करता है, एंड इट इज ऑल्सो एन एयर एंड वाटर बोर्न डिजीजेस। इनफैक्ट जो है सॉइल में भी जो है इसका वायरस मिलता है। नेक्स्ट इज वॉट कॉलेरा, राइट? एंड दैट इज अ बैक्टीरियल डिजीजेस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। टाइफाइड इज ऑल्सो एन बैक्टीरियल डिसीज, गंदा पानी अगर आप यूज कर रहे हैं, कॉन्टामिनेटेड वाटर अगर आप यूज कर रहे हैं, तब भी आपको टाइफाइड हो सकता है। प्रिवेंटिव मेजर्स हम क्या ले सकते हैं, ऑब्वियसली खुद समझ सकते हैं आप, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखिए, गुड सैनिटरी हैबिट्स होनी चाहिए, प्रॉपर कुक्ड और बॉइल्ड वाटर जो है वो मिलना चाहिए, और अगर किसी को ये बीमारी हो जाती है तो प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड मेडिकेशन शुड बी सप्लाई। नेक्स्ट इज वॉट हेपेटाइटिस बी, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू अ वायरस, एंड वाटर कैन बी द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिसीज। इसके लिए वाटर के लिए हमें सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो क्या होता है कि वाटर को बॉइल करके जो है पिया जाए, बिकॉज बॉइलिंग वाटर को आप बॉइल करोगे पर्टिकुलर एक हीट टेम्परेचर तक वो राइज करेगा, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उस टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर सकते, राइट? तो अल्टीमेटली क्या हो गया, वाटर जो है कॉन्टामिनेशन से दूर हो गया, सीव कीजिए उसको एंड देन यू कैन यूज इट फॉर द सेफ ड्रिंकिंग, एज अ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट इज मलेरिया, दैट इज़ वेरी कॉमन, बहुत जो है, इनफैक्ट जब गर्मियों का समर्स का टाइम आता है तब मलेरिया, डेंगू, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत कॉमन हो जाती हैं, डिसीजेज बहुत कॉमन हो जाती हैं। इनफैक्ट इनके लिए बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो भी एडवर्टाइज किए जाते हैं अगर आपने ध्यान दिया हो, एंड द कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिहाइंड दैट इज प्रोटोजोआ, राइट? ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी बिकॉज हम ऑलरेडी इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस पार्ट में, राइट? अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ फर्स्ट गो थ्रू those parts and then proceed for this part। and malaria भी हमने पढ़ा, female anopheles होती है जो कि malarial parasites की causative carrier agent होती है, right? ओके, प्रिवेंटिव मेजर्स आप खुद से भी बता सकते हैं, मॉस्किटो नेट यूज़ कीजिए, स्प्रे यूज़ कीजिए, मतलब किसी भी तरीके से इंसेक्ट्स को जो है, इंसेक्ट्स को, हाउस फ्लाइज को, राइट,
आने से हमें रोकना है, इतना हमें क्लीनिंग पर्पस रखना है कि जो ये डिसीज है वो बॉर्न आउट ना हो, जगह जगह पानी इकट्ठा ना हो, राइट? ऑलराइट, ये सब तो थी ह्यूमन बींग्स की बातें. इसके अलावा और भी बहुत सारे डिसीजेज हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस दिस मच इज इनफ. यू हैव टू मेमोराइज दीज थिंग्स वेरी क्लियरली. अब अगर हम एनिमल्स में बात करें तो एक एंथ्रेक्स नाम की बीमारी होती है. इनफैक्ट आपने बहुत सारे एनिमल्स में देखी भी होगी, सफ़ेद सफ़ेद से दाग से हो जाते हैं, धब्बे से हो जाते हैं, एंड वो ह्यूमन्स एंड एक कैटेगरी ह्यूमन्स में भी पाई जाती है उसकी, एंड इट इज़ बेसिकली अ कैटल डिसीज दैट इज़ कॉज्ड बाय एन बैक्टीरियम. यहाँ पर जो है पूरा मैंने फ्लो चार्ट के फॉर्म में डायग्रामेटिक व्यू में भी शो किया है. बैसिलस एंथ्रेसियस जो होता है वो क्या करता है कि एनवायरमेंट में डॉर्मेंट स्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस करता है, राइट? स्पोर्स स्पोरोटिक फॉर्म्स में जो है वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, बट दोज आर डॉर्मेंट, एक्टिव नहीं है, राइट? बट जैसे ही वो स्पोर्स किसी की बॉडी में जाएंगे, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बिल्ड अंदर जाने लगेंगे, राइट? किसी भी मीडियम के थ्रू दे कैन बी सेवरल मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, एनवायरमेंट के थ्रू, एयर के थ्रू, सॉइल के थ्रू, राइट? तो वो डॉर्मेंट फॉर्म क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, राइट? बिकॉज एक्टिव क्यों हो गया, बिकॉज उन स्पोर्स को जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, प्रॉपर उनकी ग्रोथ के लिए, डिवीजन के लिए चीज़ें मिल रही हैं, राइट? सो दे बिकम एक्टिवेटेड एंड टर्न इनटू एक्टिव ग्रोइंग सेल्स. और एक बार अगर वो एक्टिव हो गए तो वो रैपिडली क्या है, डिवाइड करते चले जाएंगे, डिवाइड करते चले जाएंगे, तो बीमारी को फैलाते चले जाएंगे, राइट? दे कैन बी स्प्रेड आउट इन द बॉडी प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन्स, पॉइजन्स को फॉर्म करना शुरू कर देंगे, जिससे कि सीरियस पहले कुछ सिम्टम्स दिखेंगे. अगर बीमारी सही समय पर जो है ट्रीट नहीं की गई, देन इट विल लीड टू द सीवियर इलनेस एंड अल्टीमेटली द डेथ. Second is what foot and mouth diseases of cattle is also caused by a virus. यहाँ पे देखिए शो किया गया है माउथ की diseases को, एंड ये भी बहुत कॉमन डिसीज है जो कि एनिमल्स में पाई जाती है, एंड इट इज़ अ कॉज. कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके पीछे रीजन है, दैट इज वायरस. Alright, if we pay attention towards the plants, there are certain diseases caused by microorganisms too in case of plants. Those plant diseases are these, right? ये भी NCERT का ही एक chart है. So please remember these things very nicely, because question आए तो आप अच्छा से कर सके. First plant disease is citrus canker, right? Causing microorganism behind that is what? Bacteria. Air के through जो है वो mode of transmission होता है. इस तरीके से जो है ये disease दिखने लगती है. रस्ट ऑफ वीट बहुत ज़्यादा कॉमन जो है वो देखने को मिलती है, एंड दैट इज़ कॉज ड्यू टू फंगस एंड एयर्स और या फिर सीड्स के डिस्पर्सल से ये डिसीज़ जो है फैलती है. ये देखिए आप वाइट कलर के जो स्पोरेटिक फॉर्म्स हैं, फंगस जो है वो आपको दिखेगी, राइट? येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, राइट? ओकरा जिसे भी बोला जाता है, एंड वायरस इज अ रीजन बिहाइंड दैट. एंड दैट मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, अगेन इंसेक्ट्स, बिकॉज इंसेक्ट्स क्या है, फ्लाई करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह. सो अगर उनके साथ वही पार्ट जो है, वही वायरस, वही बैक्टीरिया स्टिक ऑन हो गया, देन अल्टीमेटली इट कैन लीड टू द डिसीज टू द हेल्दी प्लांट ऑल्सो. यहाँ पर इसकी रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, येल्लो कलर की वेन्स जो है वो अपीयर होने लगती हैं ऑन द पर्टिकुलर प्लांट, राइट? फाइन, यहाँ पर कुछ मेथड्स दिए गए हैं फूड प्रिजर्वेशन के. फूड पॉइजनिंग इज अ वेरी कॉमन, आपको पता है फूड जो है वो कॉन्टामिनेटेड हो गया, पॉइजन हो गया ड्यू टू बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. बट अल्टीमेटली हाउ कैन वी प्रिजर्व द फूड, राइट? हम अपने क्या प्रिवेंटिव मेजर्स कर सकते हैं, बिकॉज देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तो आप हटा ही नहीं सकते. दे आर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट एंड मैनी हैबिटेट्स टू. दे आर लाइक ओमनी प्रेजेंट, हर जगह वो प्रेजेंट है. हम क्या कर सकते हैं, हम उनसे बच सकते हैं. ऑलवेज आपने एक सेंटेंस भी सुना होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. सो हम कुछ इस तरीके से मेजर्स अपनाएं ताकि हम उन सब चीज़ों से बच सकें. पर्टिकुलरली फूड प्रिजर्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में कुछ ट्रीटमेंट्स दिए गए हैं. फर्स्ट वन इज केमिकल मेथड. इसमें क्या यूज़ होता है, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा सल्फाइड का यूज़ होता है. दैट कैन बी यूज एज अ प्रिजर्वेटिव. प्रिजर्वेटिव का प्रिजर्वेटिव्स आर वॉट, प्रिजर्वेटिव्स वो होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जिनका यूज़ कर हम चीज़ों को लंबे समय तक जो है वो सेफ रख सकते हैं, राइट? देखिए
कुछ ही चीजें हैं जो यहाँ पर याद करने की हैं पूरी यूनिट में इस तरीके के नाम, बाकी कॉमन चीजें आपको पता है। तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस के क्वेश्चन जो है चांसेस इन्हीं में से ही आने के हैं, क्वेश्चन के ज्यादा चांसेस इन्हीं टर्म्स में से आने के हैं। तो प्लीज ये टर्म्स मेमोराइज कर लीजिएगा, इनको भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, राइट, ये मेथड जो है एजिस से यूज़ होता है। कॉमन सॉल्ट जो है बहुत टाइम से यूज़ होता है, जैसे कि मीट हो गई, फिश हो गई, उसको ड्राई सॉल्ट से कवर किया जाता है ताकि हम जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक सकें, बिकॉज बहुत सारे बैक्टीरियाज मोर साल्टी कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकते। साथ के साथ रॉ मैंगोस, आंवला, टैमरिंड दैट इज इमली, उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको भी प्रिजर्व करने के लिए कॉमन सॉल्ट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज वॉट, प्रिजर्वेशन बाय शुगर। शुगर जो है जैम्स जैसी चीज़ों को, स्क्वैशेस जैसी चीज़ों को प्रोड्यूस करने प्रिजर्व करने के काम आती है। शुगर का मेन काम क्या है, ये क्या करेगा, मॉइस्चर को कम कर देगा। अब देखिए हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक सुटेबल एनवायरनमेंट चाहिए, अगर वो सुटेबल एनवायरनमेंट उसे मिल गया तो वो ग्रो कर जाएगा, अल्टीमेटली दैट ऑर्गेनिज्म विल डाई, राइट। तो यहाँ पे शुगर क्या है, मॉइस्चर को कम कर रहा है, मॉइस्चर को कम कर रहा है तो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो क्या हो रही है, इनहिबिट हो रही है, जिससे कि वी कैन सेव आर फूड, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, बहुत कॉमन है हमारे घर पे। मम्मा जो है रिलेटिव्स, बहुत सारे फीमेल लेडीज जो है, फीमेल रिलेटिव्स जो है वो ऑयल और विनेगर का यूज़ करती हैं पिकल्स, राइट, अचार डालने में। उसके पीछे भी क्या रीज़न होता है, उसके पीछे भी ये रीज़न होता है कि स्पॉइल ना हो, राइट, फंगस बैक्टीरिया जैसी चीज़ें उसको इफेक्ट ना करें, राइट। इनफैक्ट बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल, फिशेस, मीट्स को भी इस मेथड से प्रिजर्व किया जाता है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट बहुत कॉमन ट्रीटमेंट है, जैसे कि वाटर को आपने बॉईल किया, हीट करने से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड हो जाते हैं। कोल्ड ट्रीटमेंट में आप देखिए अपने रेफ्रिजरेटर लो टेम्परेचर पर रखते हैं, क्यों, बिकॉज उस समय वहाँ पर बहुत वही एक अनुकूल तापमान होता है जिसपे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो नहीं कर सकते। और सबसे इम्पॉर्टेंट, प्रॉपर स्टोरेज एंड पैकेजिंग, वो तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ही है। प्रॉपर स्टोरेज और पैकेजिंग रहेगी तो प्रॉपर तरीके से फूड जो है वो कॉन्टामिनेटेड नहीं होगा एंड इट विल बी सुटेबल फॉर द यूजेबल पर्पस। ऑलराइट, नेक्स्ट इज व्हाट, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों ज़रूरी है, देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन यही अराइज होता है, बिकॉज नाइट्रोजन जो है N2 फॉर्म में पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, मैंने पहले भी बताया था। और ये जो N2 फॉर्म है, एक N का एटम इज कोवेलेंटली बॉन्ड विद द अनदर N का एटम, राइट, इस दिस N2 जो है ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में मिलती है, इट इज़ नॉट यूजेबल बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट। प्लांट्स और एनिमल्स इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, बट उनको अल्टीमेटली नाइट्रोजन की नीड है, बिकॉज नाइट्रोजन जो है मेन कॉम्पोनेंट है बहुत सारे सब्सटेंस का, राइट। सो अमाइनो एसिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, एवरीथिंग नाइट्रोजन इज़ वेरी मच नीडेड, सो देर इज अ नीड टू कन्वर्ट, देर इज अ नीड टू फिक्स द नाइट्रोजन, राइट, ताकि हम उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, लाइक अमोनिया में कन्वर्ट कर सकें, राइट। और पूरा इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की कन्वर्जन के प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है, जो कि बहुत सारे नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत सारे बैक्टीरिया, यहाँ पे हम क्यों पढ़ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाले चैप्टर में, बिकॉज बहुत सारे बैक्टीरिया, वेराइटी ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ फ्री लिविंग होते हैं, कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, जो कि अपने नाइट्रोजन को फिक्स करने में हमारी मदद करते हैं थ्रू द यूज ऑफ अ प्रॉपर बायोलॉजिकल प्रोसेस, राइट। इसके अलावा लाइटनिंग से भी जो है नाइट्रोजन फिक्स होती है। देखिए फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा देख लेते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन फिक्स हुई बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से, राइट, बिकॉज दे हैव द कैपेबिलिटी, दे हैव द सेल्स, दे हैव द थिंग्स टू फिक्स द नाइट्रोजन, टू कन्वर्ट द नाइट्रोजन इन टू देयर यूजेबल फॉर्म्स, राइट। बैक्टीरिया ने क्या करा, टर्न नाइट्रोजन को तोड़ा और नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स, नाइट्राइट्स हो गए, राइट, तो दोनों को हुई हमने उसको नाइट्रोजन के यूजेबल बाय प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, ताकि उसको इजीली यूज करा जा सके, राइट। अल्टीमेटली क्या हुआ, जो कंपाउंड्स थे नाइट्रोजन के वो सॉइल में मिल गए, एंड प्लांट कहाँ पर है, सॉइल में ही है, राइट, तो सॉइल से वो इजीली जो है ले सकता है नाइट्रोजन को अकॉर्डिंग टू द यूजेबिलिटी, राइट।
ओके अब बैक्टीरिया ने एक काम और किया, जो नाइट्रोजन था कंपाउंड से नाइट्रोजन को उनको गैशियस नाइट्रोजन में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। देखिए सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि चीज़ें बन, ये साइकिल क्यों है सबसे पहले तो बात ये आती है, साइकिल इसलिए, साइकिल का मतलब क्या होता है, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए वही आपका एंडिंग पॉइंट भी होना चाहिए। भाई ऐसा तो नहीं है कि यूज़ करते चले जाओगे वापस नहीं दोगे, राइट, बिकॉज साइकिल इज नीडेड, बिकॉज कंटेंट कहीं पे भी लो अप नहीं होना चाहिए, ठीक है, चाहिए था यूज़ कर लिया बट वापस भी तो करना है रिवर्ट बैक, ताकि प्रॉपर साइकिल चलती रहे, आगे भी अवेलेबिलिटी बनी रहे। अगेन गैशियस नाइट्रोजन में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है और एटमॉस्फेयर में जाकर मिल जाती है, राइट। लाइटनिंग के प्रोसेस से भी नाइट्रोजन फिक्स होती है, अल्टीमेटली यहीं आकर मिलती है। अब ठीक है, नाइट्रोजन के कंपाउंड सॉइल में मिल गए, अब क्या होगा, प्लांट्स जो है उसको अपटेक कर लेंगे। प्लांट्स को अल्टीमेटली कौन खा रहा है, वी एनिमल्स, राइट, हम ही प्लांट्स की सब चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं बिकॉज वी आर हिटरोट्रॉप्स, और प्लांट्स भी यूज़ करेगा ग्रो करने के लिए, एनिमल्स ईट्स प्लांट्स, राइट, और तो क्या है, नाइट्रोजन जो है उनके अंदर भी पहुँच गई, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन उनके अंदर भी पहुँच गए एंड अल्टीमेटली दे कैन यूज दोज प्रोडक्ट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट। और जो वेस्ट था, नाइट्रोजीनियस वेस्ट था, वो एक्सक्रीशन के थ्रू जो है वो बॉडी में से एक्सक्रीट आउट हो गया, वेस्ट आउट हो गया, निकल गया, बिकॉज दैट इज नो मोर नीडेड फॉर अस, राइट। सो पूरी की नाइट्रोजन साइकिल है, कौन कौन से बैक्टीरिया फिक्स करते हैं, आपको ये सब चीज़ें याद करनी ज़रूरी है। सो ये जो था हमारा पूरा यहाँ पे कंक्लूजन निकल कर आता है चैप्टर का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो का। मैंने आपको पार्ट्स में इसलिए बताया ताकि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकें, अल्टीमेटली नहीं तो मैं एक समराइज फॉर्म आपको दे देती, बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन द थिंग्स वेरी नाइसली सो दैट कहीं पर भी कोई भी चीज़ ना रह जाए और आप जो है अच्छा स्कोर कर सकें, बिकॉज एक एक मार्क, इनफैक्ट आधा आधा मार्क भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, टू सब्सक्राइब ऑन आवर चैनल प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन गिवन बिलो द वीडियो, एंड फॉर रेगुलर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। For more information, query, do like my Facebook page and the link is given below. Thank you so much guys. God bless you. Bye-bye. Take care.